और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा से है, जहां पर आज उद्योग व्यापार मंडल श्रावस्ती के पदाधिकारी पहुंचे और वृद्धा आश्रम में पहुंचकर भीषण शीतलहरी के कारण यहां पर रह रहे बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया। एक सराहनीय कार्य उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से सामने आया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा से है, जहां पर वृद्धा आश्रम में पहुंचकर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कंबल व मिष्ठान का वितरण किया। हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जनपद श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता बोल रहे हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं सभी को प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की शाखा मल्लीपुर, बदला एवं भिनगा नगर सभी लोगों को मिला करके हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी 70 से 75 वृद्धजन यहाँ उपस्थित थे, भीषण ठंडक चल रहा है, उस ठंडक को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि यहाँ पर हमारे जितने भी वृद्धजन यहाँ उपस्थित हैं सबको कंबल का वितरण किया जाए। और अभी जो हमारी बड़ी एक योजना थी, बड़ा कार्यक्रम भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सभी लोगों को मिष्ठान भी वितरण किए हैं और जितने वृद्धजन यहाँ उपस्थित हैं सभी को हम कंबल भी वितरण किए हैं। और हमेशा हम दीपावली की पूर्व संध्या पर भी अन्य जब जब भी अवसर आते हैं हम यहाँ पर वृद्धजनों के साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं कि इनके सुख दुख में हमेशा हम सहभागी बनते हैं। और सभी को मैंने शुभकामनाएं अर्पित करके हुए यहाँ पर कंबल का वितरण किया। भीषण ठंड में बुजुर्गों को कंबल एक वरदान साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह मामला है, जहां पर मल्हीपुर व्यापार मंडल, बदला चौराहा व्यापार मंडल, भिनगा व्यापार मंडल की टीम ने पहुंचकर बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया। इस दौरान भारी संख्या में पत्रकार भी मौजूद रहे। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की तस्वीरें, जहां पर जिला अध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता, मल्हीपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष नंद कुमार गुप्ता, बदला चौराहा अध्यक्ष जमाल अहमद व उनकी टीम, घनश्याम रस्तोगी, मोहित रस्तोगी सहित तमाम व्यापारी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता ने बताया कि अभी हाल में ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसको देखते हुए उसके उपलक्ष्य में बुजुर्गों को मिष्ठान का भी वितरण किया गया। साथ ही बुजुर्गों की सेवा के लिए व्यापार मंडल की टीम हमेशा तत्पर रहती है। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा स्थित वृद्धा आश्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर व्यापार मंडल की टीम ने लोगों को कंबल का वितरण किया, जिससे बुजुर्गों को राहत मिली। लगभग 70 से 75 बुजुर्गों को आज कंबल का वितरण किया गया। आपको बता दें तराई के क्षेत्र श्रावस्ती जिले में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में कंबल पाकर बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान आई और बुजुर्गों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। आ जाओ आप।